सिंह और आप हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं सहस्र न्यूज। फिलहाल अभी हम कटिहार के कोढ़ा प्रखंड के नक्कीपुर गांव में मौजूद हैं और आज हम जिस चीज़ को बताना चाह रहे हैं हमारे दर्शक को भी लगेगा कि हम क्या बताना चाहते हैं, लेकिन हम जो आज बता रहे हैं शायद ये सुन के आप अपने माने आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगा। खिसकने का अर्थात हम यही बताना चाहते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोग सुनकर उनको लगता है कि यह नहीं होना चाहिए। फिलहाल मामला क्या है हम आपको बताते हैं। मामला है प्रेम प्रसंग का। अगर कोई लड़का लड़की अगर वह 18 साल से ऊपर के उम्र के लड़का लड़की हैं और वह प्रेम करते हैं तो ये कहाँ से गलत हो सकता है। बहरहाल जो भी हो प्रेम प्रसंग उन्होंने किया, कहाँ बड़ाड़ी की लड़की है और नक्कीपुर का लड़का है, इन लोगों ने प्रेम प्रसंग किया अपना जो भी है, लेकिन उसका खामियाजा अगर लड़के की माँ को भरी गांव में अगर नंगा करके उनको घुमाया जाए, उनकी अश्लील वीडियो बनाई जाए, ये कहाँ तक जायज़ है? ये हम अपने दर्शकों से सवाल पूछना चाहते हैं। अगर आपको यह सुनकर आपको लगता होगा कि हाँ ये सही है तो आप बताइए, अगर गलत है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि क्या यह जायज़ है। अगर लड़की और लड़का दोनों ने प्रेम किया तो क्या उन्होंने अपने माँ बाप को पूछ के किया होगा? नहीं किया होगा, उन लोगों ने धोखे में रख के प्रेम प्रसंग किया। लेकिन लड़की के रिश्तेदार जो नक्कीपुर में ही हैं, उन लोगों ने लड़के की माँ को बीच माने गांव में घर में उनका जबरन उनको माने निर्वस्त्र कर दिया, एवं प्रकार से लड़के के पिता को भी मारा और उनको निर्वस्त्र करके उनका अश्लील फोटो बनाया और यहाँ तक कहा कि अगर लड़का लड़की अलग नहीं होते हैं तो इस वीडियो को वायरल कर देंगे। आप समझ सकते हैं कि यह 40-45 साल की महिला का इज्जत कितना बड़ा चीज़ है। अगर उनको नग्न करके उनका फोटो बना दिया गया तो उन पर क्या बीत सकता है, ये हमारे दर्शक भली भांति समझते होंगे। यहाँ तक हम आज जिस जगह पे आए हुए हैं, यहाँ के समाज के कुछ लोग हैं, उनसे भी हमने जानने की कोशिश की तो समाज के लोगों ने कहा कि उन्होंने अब घर से निकलना छोड़ दिया है क्योंकि उनको अब लगता है कि हम किस मुंह से किसके पास जाएं, वाजिबन बात है। तो ऐसे दोषियों को हम कहेंगे, प्रशासन के उन अधिकारियों से कहेंगे कि इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और इनको ऐसा दंड देना चाहिए ताकि फिर समाज में ऐसा कृत्य करने की कोई सोचे नहीं। फिलहाल चलिए उनसे भी बात करते हैं, कुछ समाज के लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? बिंदेसर पासवान। तो क्या जो जिनके साथ गलत हुआ है वो कौन है यहाँ के? वो यहाँ का महिला है। महिला है, उनके पति का क्या नाम है? रामकरण सिंह। गांव कौन सा है? नक्कीपुर। अच्छा, तो क्या मामला है? मामला यही है कि जो राजीव और राकेश मुकेश उनका मम्मी और संजय का लड़का ये लोग आकर के और वो महिला का लंगा कर चुका था, लंगा करके उसे वीडियो बनाया, फोटो लिया। क्या बोल रहा था? बोल रहा था कि जो इतना मार मारेंगे जो होश उड़ जाएगा, आज क्या किए हैं कल में जो है से रोड पर घिसेट के मारेंगे और चारों लड़का का बोलेंगे कि इसको ये करो, हैं इज्जत लूटो। अच्छा, बलात्कार करो। हाँ, बलात्कार करो। हाँ, आज क्या होगा वो कल होगा, यही बात बोले थे। कि लड़का लड़की के बारे में क्या बोल रहे थे वो लोग? लड़का लड़के के बारे में वो यही बोल रहे थे कि जे सबकी इज्जत है, हमारे क्यों हमारे साली को जो से लेकर भाग गया और गाली गलौज करता है। हाँ, इसीलिए मैंने बोलो कि छोड़ देगा। हाँ, इसलिए बोला कि छोड़ दो। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? सुमित्रा देवी। क्या मामला है? मामला यही है, हम खाना बना रहे थे, उस दिन गाली गलौज करते आया, बोला कि जे अच्छा कहाँ है, बोलते बोलते इस जगह हमारा पति था, उसको मार दंगा किया, आप कुर्सी में बैठा के रस्सा से बांध दिया, तो हम सोचे जे हमको भी फंसता है, तो हम डर से अपना भाग गए। भाग गए तो पड़ोसी के घर में हम नुका गए, तो बोला कि जे इतने दूर होगा उसको खोजिए, खोजते खोजते हमारा पड़ोसी के घर में घुस गया, हम मछनातर में बैठा रही बैठा रही तो झट्टा पकड़ के घींच गया, साड़ी था 6 लोग का साड़ी देह से बस्तर से गिर गया साहब, उस पर भी वो खींच के लगा अंगना में, अंगना में पटक के ब्लाउज फाड़ दिया, साया उधार दिया,
उसका पोता था, उसका दादी बोला क्या कहता है उसका क्या नाम है सुशीला देवी, वो बोला कि जे इसको वीडियो करो। हाँ तब वीडियो किया। अच्छा, किस किस लिए आपके साथ ऐसा किया? बेटा गलती किया था इसलिए, लड़का लड़की कब से वो लोग प्यार करता था नहीं करता था। बेटा यहाँ है अभी? नहीं है। अच्छा नहीं है। तो लोग गलती किया, मैंने प्यार किया तो गलती किया। आप लोग को मालूम नहीं था ये सब? नहीं नहीं। अच्छा, हमको मालूम नहीं था। और वीडियो बना के क्या बोल रहा था वो लोग, कि क्या बोल रहा था? फेसबुक पर डाल दो देखेगा। फेसबुक पर डाल दो देखेगा। अच्छा अच्छा, क्या चाहती है प्रशासन से, क्या चाहती है आप? क्या चाहते हैं? अपन लड़का शादी किया है तो लड़का हमको वापस कर दो। लड़का उन्हीं लोग के पास है क्या? नहीं, लड़का कहीं अपना कमाता होगा कहीं है। अच्छा, भाग गया है। मैंने गलती वो किया, माँ बाप को भुगतना पड़ा, यही ना है? यही है। तो FIR किए थाना में? किए। FIR किए? किए। के को पकड़ाया उसमें? उसमें एक ठो पकड़ाया है। क्या नाम है? मुकेश। बहरहाल जो भी हो, आपने इस महिला का सुना, लेकिन अभी FIR भी हुआ है और उसमें से जो एक व्यक्ति है उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन ये गिरफ्तारी होने के बाद जितने भी आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए और इनको एक मैंने ऐसा दंड देना चाहिए ताकि ऐसा चीज़ लोग करने से भी घबराएं और इससे हमारा समाज बचा रहे, नहीं तो फिर लोग इसी तरह का प्रक्रिया करेंगे किसी के साथ भी और उसका खामियाजा इन जैसे गरीब परिवार भुगतेंगे।